तो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, ये दोनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, और अरिथमेटिक ऑपरेटर पाँच टाइप के होते हैं। सबसे पहला है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा डिवीज़न, चौथा है मल्टीप्लिकेशन और पाँचवा मॉड्यूलस। ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर के कुछ टाइप। अब समझते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो ऑपरेटर को समझने के लिए हम सबसे पहले आप इस फिगर में देख लो। इस फिगर में मैंने ऑपरेंड दिया है, ऑपरेंड ए, ऑपरेंड बी। ऑपरेंड क्या होता है? जो ऑपरेशन में भाग लेता है। मान लो कि मैंने ए में असाइन किया है 5, बी में असाइन किया है 12। अब इसमें हमको 5 और 12 को ऐड करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन वाला जो साइन होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटर। मतलब दो नंबर्स, दो ऑपरेंड के बीच में वो ऑपरेशन कराएगा, तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटर्स। तो अब मान लो कि मैंने ए में कुछ वैल्यू रखा, बी में कुछ वैल्यू रखा, ऐड कराना है, तो हमको ऑपरेटर जो है ऑपरेट करेगा, उसके बाद हमको रिजल्ट शो होगा। तो इसे हम कह सकते हैं ऑपरेटर। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑपरेटर को। तो एडिशन ऑपरेटर क्या होता है? तो इस प्रोग्राम में मैं दो टाइप्स के वेरिएबल बनाऊंगा। सबसे पहले मैं वेरिएबल बना लेता हूँ प्रोग्राम में। सबसे पहला वेरिएबल मैं बनाता हूँ, इंटीजर वेरिएबल है दोनों, इंट ए इक्वल टू 4, सेमी कोलन से टर्मिनेट करेंगे। दूसरा लेंगे इंटीजर, इंट बी इक्वल टू 6, इसे भी टर्मिनेट करेंगे। अब क्या होगा? एक और इंटीजर हम लेंगे जिसमें हम ये दोनों के सम को हम स्टोर करेंगे, इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें देखिए कमेंट में मैं लिखता हूँ इसको, ए प्लस बी को आप लोग देख सकते हैं यहाँ। ए प्लस बी को अगर मैं ऐड करता हूँ मान लो, तो फ्रेंड्स इसका रिज़ल्ट हो जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। यानी कि हम कमेंट में एज ए एग्ज़ाम्पल लिख सकता हूँ मैं, एस इक्वल टी रिज़ल्ट रिज़ल्ट इक्वल टू 10। इसका जो सम होगा 10 होगा। आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो एडिशन। ये तो हो गया एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन समझते हैं। सब्ट्रैक्शन में ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ मैं इंटीजर वेरिएबल में मैं 10 ले रहा हूँ। अब देखिए इसका रिज़ल्ट क्या होगा। ए माइनस बी अगर करेंगे हम तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब हम चलते हैं डिवीज़न। डिवीज़न में क्या होगा? डिवीज़न में सिंपली है, सिंपल सा है, डिवाइड हो जाएगा ये ए डिवाइडेड बाय बी। तो फ्रेंड्स ये जो डिवाइड है, डिवीज़न ऑपरेटर है, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ ए डिवाइडेड बाय बी है, हमने सम में ऐड किया है इंटीजर वैल्यू में। तो इसमें क्या होगा आप लोग देख सकते हो, अगर हम खुद से अगर प्रैक्टिकल में हम करते हैं तो फ्रेंड्स अगर हम 10 को डिवाइड देंगे 6 से, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1.66 रिज़ल्ट आएगा हमारा। लेकिन यहाँ जो आप सम में अगर ये रिज़ल्ट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब ऐसा क्यों होगा? हमने यहाँ जो वेरिएबल का डेटा टाइप जो रखा है ये है इंट, यानी इंटीजर है। अगर हम इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको यहाँ ये जो सम है इसको करना पड़ेगा फ्लोट, FLOT फ्लोट। तो अब हमारा जो रिज़ल्ट आ जाएगा 1.66, क्योंकि हमने डेटा टाइप्स इसका चेंज कर दिया है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट बना दिया है। तो ये आ जाएगा 1.66। अब चलिए हम लोग देखते हैं मॉड्यूलस। अब ये जो है मॉड्यूलस क्या होता है? अगर हम
यहाँ मैंने दो वेरिएबल बनाया है, इंट ए बराबर हमने लिखा है 10 और बी बराबर 6 लिखा है। अब इसमें सम में हम करते हैं इसको, फिर से इंटीजर करते हैं। इंट सम इक्वल टू ए मॉड्यूलस बी। अब इसमें रिज़ल्ट क्या आएगा? तो मॉड्यूलस का काम क्या होता है, ये जो रिमाइंडर हम हमारे डिवीज़न में जो रिमाइंडर बचता है उसको शो करता है। मान लीजिए हम 10 मॉड्यूलस 6 करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर से। अगर 10 मॉड्यूलस 6 को अगर ऑपरेटर से पास कराएंगे मॉड्यूलस वाले से, तो इसमें हमारा आंसर आएगा 4। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो अपने कॉपी किताब पे, कहीं पे भी आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। ये 10 मॉड्यूलस 6 का जो रिज़ल्ट आएगा, सम आएगा, रिज़ल्ट जो आएगा वो हो जाएगा 4। इसी तरीके से अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यहाँ एक्स नहीं लेते हैं, यहाँ एस्ट्रिक्स लेते हैं, यहाँ ए इंटू बी। अब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, आप लोग को पता ही है, सिंपली सा रिज़ल्ट है 10 इंटू बी, यानी कि 10 इंटू 6। यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा 60। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब चलिए हम लोग चलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की ओर। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें मैं सम को हटा दे रहा हूँ। अब चलिए हम void setup, इसको हमें देना ज़रूरी है। हम यहाँ एक LED को डिफाइन कर रहे हैं, has define LED को हम पिन 3 में रख रहे हैं, मतलब कि जो पिन 3 है हमारा LED आउटपुट के लिए है। तो हम यहाँ पिन मोड सेलेक्ट करेंगे, पहले पिन मोड LED एज आउटपुट रह गई है, आउटपुट अब इस प्रोग्राम में हम क्या होगा, तो चलिए सबसे पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो सब कंपैरिजन ऑपरेटर जो है हमारा 6 टाइप का होता है। सबसे पहला है इक्वल टू, दूसरा है नॉट इक्वल टू, तीसरा है लेस देन, चौथा है ग्रेटर देन, पांचवा हो गया लेस देन और इक्वल टू, और जो 6 नंबर पे है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अब चलिए हम इससे एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा, वाइड लूप अब इसमें हम लोग लिखेंगे इफ ए इक्वल टू बी। अगर इफ इसमें हम क्या लिख रहे हैं, अगर ए बराबर होगा बी के, तो हम क्या करेंगे, LED को ऑन कर देंगे। डिजिटल राइट LED हाई। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा, सबसे पहले हम समझते हैं। हमने ऊपर दो वेरिएबल डिफाइन किया है, इंट ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 6। अब मैंने एक आर्डिनो पिन का जो पिन नंबर 3 है उसे LED के लिए सेलेक्ट किया है, इसे आउटपुट मैंने डिफाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं हम वाइड लूप के अंदर, तो इसमें मैंने लिखा है इफ़ अगर ए बराबर होगा बी के, तो हमारा जो LED पिन है वो आउटपुट हाई हो जाएगा, यानी कि LED जो हमने लगाया वो ग्लो हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ए बराबर है बी के बराबर नहीं है ये, क्योंकि 10 बराबर नहीं होता है 6 के, तो यहाँ LED हमारा ऑफ रहेगा। तो इसी तरीके से हम
ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू का। अब चलते हैं नेक्स्ट, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे होगा? इफ ए नॉट इक्वल टू बी, अब इस केस में क्या होगा, हमारा एलईडी ऑन हो जाएगा क्योंकि हमने ऊपर में लिखा है ए में असाइन किया है 10 और बी में असाइन किया है 6। तो यहाँ इस लाइन में आप लोग देख सकते हो इस प्रोग्राम में कह रहा है कि अगर ए बराबर नहीं होगा बी के तो इसमें एलईडी जो है हाई हो जाएगा। तो इस केस में एलईडी जो है हमारा ऑन हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं लेस देन। तो फ्रेंड्स लेस देन ऑपरेटर में क्या होगा, हम लोग सबसे पहले उसको देखते हैं। इसमें लेस देन इफ बी लेस देन ए लेस देन बी, तो इसमें क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ए जो है बी से छोटा होगा। तो हमने ए में असाइन किया है 10 और बी में असाइन किया है 6, तो इस केस में भी एलईडी हाई नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। अब हम चलते हैं ग्रेटर देन। इफ ए ग्रेटर देन बी, इस केस में क्या होगा, ए जो है बी से बड़ा है तो इसमें जो एलईडी है हमारा पिन नंबर 3 पे वो हाई हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। अब इसमें हम लोग एक और काम कर सकते हैं, डिले लगा सकते हैं। डिले 1000, इसको टर्मिनेट करेंगे। अब क्या होगा इस प्रोग्राम में, देखिए जैसे कोड अपलोड होगा आर्डिनो में ये चेक करेगा ए जो है अगर बी से बड़ा होगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो हाँ सही है, ए बी से बड़ा है इसमें, तो ये जो हमारा पिन नंबर 3 पे जो एलईडी है वो हाई हो जाएगा। कितने देर के लिए हाई होगा, 1 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर से ऑफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लेस देन और इक्वल टू। इस केस में क्या होगा, इफ ए लेस देन और इक्वल टू बी होगा तो ये दोनों ही कंडीशन गलत है, नहीं ए बी से छोटा है और नहीं बराबर है। तो इस केस में क्या होगा, एलईडी जो है लो रहेगा, ऑन नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू। इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी तो ये कंडीशन जो है ट्रू है, यानी कि यहाँ ए जो है बी से बड़ा है, बराबर तो नहीं है, बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, इस जो लेस देन और इक्वल टू है इसमें दो कंडीशन चेक करता है हमारा कंपाइलर, या तो ए बी से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये जो है इसमें डिजिटल राइट एलईडी को हाई कर देगा। अब इसमें एक और कंडीशन हम लोग देखते हैं, अगर हम ए में भी 6 करते हैं, ए में 6 असाइन किया और बी में भी 6, तो इस केस में भी क्या होगा, हमारा जो एलईडी है वो ऑन रहेगा। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ हमने दिया है इफ़ ए लेस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि इसमें दो कंडीशन चेक करेगा, या ए बी से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो बी के बराबर है ए यहाँ, तो इस केस में भी यहाँ एलईडी जो है हाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दो ऑपरेटर अरिथमेटिक एंड कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।